नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको PPR के बारे में बताने वाला हूं। PPR एक जानलेवा बीमारी है जो बकरियों में होती है, जिससे 90% चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो आज मैं इसके लक्षण के बारे में, इसके रोकथाम के बारे में और इसके उपचार के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि PPR क्या है। PPR है ना, एक गोट प्लेग भी कहा जाता है इसे। यह एक वायरल बीमारी है। इसके कीटाणु हवा से, खाने से और पानी पीने से बकरी के शरीर में प्रवेश करते हैं। तो ये कुछ माध्यम है जिनसे बकरियां क्या हो सकती हैं, बीमार हो सकती हैं। बकरियों की बीमारियों से संबंधित मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि बारिश में होने वाली बीमारियों से बकरियों की रोकथाम कैसे की जाए और बारिश में बकरियों की देखरेख कैसे की जाए। तो आइए शुरू करते हैं PPR के बारे में। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो शुरू करते हैं PPR के बारे में। PPR यह बीमारी सबसे पहले 1942 में पश्चिमी अफ्रीका में देखने को मिली थी। आजकल यह विश्व के हर एक देश में फैल चुकी है। इस बीमारी से लगभग हर देश की बकरियां जो हैं वो ग्रसित हो चुकी हैं। यह बीमारी सभी उम्र की बकरियों को हो सकती है। PPR को कहा जाता है कि जिन बकरियों को यह बीमारी हो जाती है तो उनका बचना बेहद मुश्किल हो जाता है, है ना। यह एक वायरल बीमारी है। इसके जो कीटाणु हैं वो हवा, पानी और खाने के माध्यम से फैलते हैं। इसके कुछ लक्षण के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई भी बकरी को अगर ये बीमारी हो गई है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो बकरी के शरीर का तापमान बढ़ता जाता है, बकरी को बुखार आ सकता है। इसका तापमान बढ़कर 106 से 108 डिग्री तक हो सकता है। बकरी के नाक और आँख से लार सी टपकने लगती है जो ग्रसित बकरी को लगातार निकलती रहती है। इसका मतलब यह है कि बकरी के नाक और आँख से लार निकलने लगती है। बकरी को दस्त और निमोनिया की शिकायत होने लगती है। बकरी के मुंह के अंदर छाले या जख्म हो जाते हैं और इसके मुंह से है ना बुरी तरह की बदबू आने लगती है। इस बीमारी से अक्सर बकरियां चारा खाना बंद कर देती हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको PPR से ग्रसित बकरी में देखने मिलेंगे। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि बकरी को PPR हो गया है ना। जैसे निमोनिया का होना, दस्त बार बार आना, मुंह में छाले आ जाना, है ना, मुंह से बुरी तरह की बदबू आना, बकरी को बुखार आ जाना, उसका तापमान बढ़ता चला जाना, ये कुछ आपको क्या है लक्षण हैं जो आपको बकरियों में देखने मिलेंगे। आप इन सारे लक्षणों को देखकर पहचान सकते हैं कि बकरी को PPR हो गया है। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ उपचार के बारे में, रोकथाम के बारे में कि भाई अगर किसी बकरी को PPR हो गया है तो उसकी रोकथाम कैसे की जाए, उसके बारे में बात करता हूँ। तो इस बीमारी से बचने के लिए हमें सभी बकरियों को समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। हमें समय समय पर बकरियों को टीका देना अनिवार्य है ना। फार्म हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ज़्यादातर बीमारी होने के चांसेस हमारे गंदगी से ही होते हैं, तो हम जब अपने फार्म को साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इस बीमारी से पीड़ित बकरी को सभी से बकरियों से अलग रखना चाहिए, है ना। नज़दीकी पशु चिकित्सालय केंद्र या पशु चिकित्सक से हमेशा संपर्क में रहें, है ना, ताकि अगर बकरी को बीमारी हो भी जाए तो आप उनसे नज़दीक होने पर आप उनसे संपर्क कर सकें। अब इसके उपचार के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे उपचार इसमें किए जाएँ, है ना। तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से सलाह लेकर बीमारी से पीड़ित बकरी को एंटीबायोटिक या एंटी सीरम दवाई दे सकते हैं। 3 माह या उससे ऊपर के बच्चों को 1 मिली लीटर चमड़े में, है ना, आपको टीका लगाना चाहिए। दस्त के लिए दस्त की दवाई देनी चाहिए, बुखार के लिए बुखार की दवाई देनी चाहिए। मुंह के छालों को पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में घोलकर मुंह के छालों को अच्छे से साफ करना चाहिए और उसमें बोरोलिन लगानी चाहिए। बकरियों को ऐसा खाना देना चाहिए जिससे वो आसानी से खा सकें, है ना, और टीके को अनिवार्य रूप से लगवाएं। यह टीका 3 साल में एक बार लगाया जाता है, तो टीका आवश्यक तौर पर लगवाएं, है ना। आप उन्हें लगवा सकते हैं प्रेग्नेंट बकरियों की देखरेख के लिए। आपको प्रेग्नेंट बकरियों पर भी ये असर करता है PPR, इसलिए उनकी विशेष तौर पर ध्यान दें, है ना। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।